फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में ओसी में चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, आज का कुछ हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, राइट? जैसे कि आपको कोई चॉकलेट खाना है तो उसका इंग्रेडिएंट होगा कोको बीन्स, शुगर, एडिबल ऑयल, एडिबल कलर्स, राइट? तो मार्केटिंग मिक्स का इंग्रेडिएंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या है? ओके, मार्केटिंग मिक्स के इंग्रेडिएंट का नाम है 4P। क्या? 4P। 4P मतलब मार्केटिंग मिक्स के 4P मतलब नंबर 1 इज अ प्रोडक्ट, राइट? नंबर 2 इज अ प्राइस, नंबर 3 इज अ प्लेस एंड नंबर 4 इज अ प्रमोशन। तो इसी तरह से मार्केटिंग मिक्स चलता रहता। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली, राइट? टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली, सिर्फ लॉन्च नहीं करना है, सक्सेसफुली, राइट? एंड टू मेंटेन इंपोर्टेंस इन द मार्केट। लॉन्च होने के बाद, सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद इसका इंपोर्टेंस ऐसे ही बना रहना चाहिए जैसे कि एक्टिवा और स्प्लेंडर सालों से चल रहा है, राइट? A number of policies that are adopted by producer. It is known as marketing mix. Okay. Again, to launch the product in market successfully and to maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by producer is known as marketing mix. समझे? सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मार्केट में सक्सेसफुल, राइट? नंबर 2, लॉन्च होने के बाद उसका इंपोर्टेंस कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, राइट? एंड ओ लॉन्च सक्सेसफुली और उसका इंपोर्टेंस कंटिन्यूअसली, उसके लिए प्रोड्यूसर जो जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग, राइट? और वो चार पॉलिसी है जिसको 4P के नाम से जाना जाता है। पहला P है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बिना कुछ होना ही नहीं है, लॉन्च क्या करोगे आप? हवा नहीं, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? गुड्स हो या सर्विसेज, दोनों प्रोडक्ट ही है। और गुड्स और सर्विसेज का काम क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देना। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे, उसे माना जाता है प्रोडक्ट। ओके, अब जैसे मैंने बोला मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसी तरह प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा क्या है? व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, राइट? तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या आ जाएंगे? प्रोडक्ट के फीचर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके अलावा प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेन, चेंजेस इन द प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट मिक्स के हिस्से है। लेकिन मेन हिस्से जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स में, वो है पैकेजिंग, दूसरा है ब्रांडिंग एंड तीसरा है लेबलिंग। अगेन बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रहा हूं आपको। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मिक्स का पहला हिस्सा है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग, उसके बाद लेबलिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइस, उसके बाद प्लेस एंड उसके बाद प्रमोशन, राइट? तो व्हाट इज ब्रांडिंग, राइट? ब्रांडिंग मतलब लेबल, ब्रांडिंग मतलब लोगो, ब्रांडिंग मतलब डिजाइन, राइट? जिससे आपकी प्रोडक्ट पहचानी जाए, राइट? जैसे कि आप सीधा पहचान लोगे मैंने क्या किया है, पहचान गए सर? यस, सब बोलेंगे सर मर्सिडीज, राइट? आप सीधा ही पहचान जाओगे। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं। सीधा पहचान क्यों बोलेंगे? सर ओडी, राइट? ये क्या लेवल है, क्या है लोगो है, क्या डिजाइन है, समझे? और इन डिजाइन के, डिजाइन को लीगली बनाना है, कोई कॉपी ना करे और उसको ही लोग पहचाने, ऐसा कोई दूसरा भी सिंबल कोई बना देगा, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? ट्रेडमार्क। ये क्या हो गया? लीगल हो गया, समझा? और यही है ब्रांडिंग की ताकत, क्या आप देखो और बता दो सर मर्सिडीज, राइट? और उसके ऊपर आपको लेना है ट्रेडमार्क। उसके अलावा लोगो, लेबल, डिजाइन में अलग अलग कलर्स होते हैं, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है, राइट? जैसे कि इसका मीनिंग क्या है? लैंड, राइट? मैंने पहले भी बताया था वॉटर या सी, एंड इसका मतलब है ए, राइट? सेम टू सेम नोकिया का भी कोई मीनिंग था, उसमें जो कनेक्टिंग पीपल, उसका हैंड का सिंबल आता था। सबका कोई ना कोई मतलब है और
जो इसके एक्सपर्ट है वो यही एडवाइस देता है, ऐसे ही लोगो मत बना दो, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपने लोगो देखा होगा वो यू वाला, राइट। तो ये यू में बहुत सारे डिजाइन बनी है और उस हर एक डिजाइन के कोई ना कोई मीनिंग, राइट। और ये क्या है, ब्रांडिंग, समझे आप, राइट। और ब्रांडिंग की मुझे डेफिनेशन देनी है तो उसकी डेफिनेशन है, राइट। डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग इज व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू बी इजीली आइडेंटिफाइड, राइट। When the product of the producer is to be easily identified from that of products of other producer, समझा? Say for example, car के बहुत सारे producer हैं, लेकिन हम easily पहचान देते हैं Audi है, ये Mercedes है, ये BMW है। तो when the product of the producer is to be easily identified from the that of products of other producer, other producer की जो product है, उसकी product से आपके product easily identify कर सकते। And no one else can copy it by using name, logo or number design on the label etc. is known as branding. समझे? मतलब कि जो कोई product है और उसका जो producer है वो इस तरह से brand कर गई हो कि उसको market में easily identify कर पाए, कहां से identify कर सके, उसके जैसे same product हो उसमें से उसको identify कर पाए, और ये जो आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांडिंग या लोगो करा गया है उसको नो वन एल्स कैन कॉपी, राइट। उसको उसका नाम यूज नहीं कर सकता है, उसका लोगो नहीं यूज कर सकता, उसका नंबर, उसकी डिजाइन कुछ भी यूज नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांडिंग, राइट। जब i20 एलिट लॉन्च हुई थी तब एलिट लॉन्च हुई थी तब उसकी जो टेल लाइट थी, एड लाइट थी, मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं, उसके ऊपर शायद BMW कंपनी ने कैश करा था कि ये लाइट या फिर ये डिजाइन हमारी कॉपी करी गई है, तो Hyundai को उसका बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा, राइट। सैमसंग ने भी जब गैलेक्सी सीरीज लॉन्च करी थी तब एप्पल को कॉपी करने के लिए एप्पल ने उसके ऊपर केस करा था और केस एप्पल जीत गया था और सैमसंग को बहुत बड़ा जुर्माना एप्पल को पे करना पड़ा, राइट। तो आप किसी भी चीज की कॉपी कर सकते नहीं हो क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जिसे कोई और कॉपी कर सकता नहीं है, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए, राइट। सो डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग की पहली फीचर ऐसी है, आफ्टर ब्रांडिंग कंज्यूमर कैन बिलीव या फीलिंग, कंज्यूमर को फीलिंग आएगी कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, राइट। ब्रांडिंग या लोगो या डिजाइन देख के कंज्यूमर को क्या फीलिंग आएगी, ओके ये प्रोडक्ट है, ये लोगो है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी है, उसमें कोई बांधछोड़ होगी नहीं। तो कंज्यूमर कैन फील कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, ओके। नंबर टू, ब्रांडिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिजाइन इंक्लूड होता है, सिंबल्स अलग होता है, स्पेसिफिक कलर यूज होता है, और इसके थ्रू ब्रांडिंग लोगो या डिजाइन बनी जाती है या पैकेट बनाया जाता है, राइट। नंबर थ्री, लोगो इज प्रिंटेड ऑन लेबल, किसी भी प्रोडक्ट का जो बैनर होगा या फिर लेबल होगा उसके ऊपर लोगो प्रिंट करा जाता है, ब्रांडिंग का फीचर है, हिस्सा है, राइट। नंबर फोर है, ब्रांड शोज फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी, कल्चर, राइट। देखो प्रोडक्ट की भी पर्सनालिटी होती है, उसके भी कल्चर होते हैं, उसके भी फीचर्स होते हैं, उसके भी यूजेस होते हैं, राइट। सो ब्रांड की वजह से, ब्रांड क्या दिखाता है, प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी, कल्चर एक्सेट्रा, राइट। नंबर फाइव, सिंबल क्या है, सिंबल किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोड्यूसर की, किसी भी कंपनी की आइडेंटिटी है, जान है, पहचान है, राइट। नंबर सिक्स, सिंबल इज वर्बल और विजुअल आइडेंटिटी, कुछ भी बोलो इसे देख के आपको पता चल जाएगा मर्सिडीज, कोई बोलेगा देखो मर्सिडीज, नहीं, इसे आप वर्बल भी बोल सकते हो, इसे आप विजुअल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये आइडेंटिटी, राइट। नंबर सेवन, विथ सिंबल हाई प्राइस, अगर किसी भी प्रोडक्ट सिंबल के साथ होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप स्पोर्ट्स शूज लेने जाओ, एक स्पोर्ट्स शूज जैसा है जिसके ऊपर एडिडास लिखा है तो 3-4-5-6 हजार की शूज आएगी, और एक स्पोर्ट्स शूज जैसे है जिसके ऊपर लिखा है स्टाइल, राइट, तो 1000 की आएगी, 500 की आ जाएगी। तो सिंबल के साथ चीजों की, प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और नंबर एट, अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सिंबल होगा, लोगो होगा, तो उस प्रोडक्ट को हम इजीली सेल कर पाएंगे, उसे सेल करने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा, राइट। सो देयर आर 8 फीचर्स, राइट। अगेन मैं आपको बता दूं, हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट में हम पढ़ रहे हैं ब्रांडिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैकेज, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द डे।